हाय एवरीवन, आज हम इस मेन्यू में बनाएंगे सोया चंक से स्टीक कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं ये। और इसे ना आज हम सैलड के साथ सर्व करेंगे, चाहे तो आप इसे स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सोया चंक्स ले रही हूँ, तो एक कप मैंने यहाँ पर लिया है और आप देख रहे हैं कि साइज़ में थोड़े बड़े वाले मैंने लिए हैं। और इसे बिल्कुल गर्म पानी में ना भिगो करके हम साइड पर रख देंगे 10 से लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो बस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 15 मिनट हुए हैं और ये देखिए कि बिल्कुल सोया संग जो है वो साइज़ में डबल भी हो गया है और साथ ही साथ सॉफ्ट भी काफ़ी अच्छे से। तो अब इसे पानी से बाहर निकालेंगे, जिसे ना हम अच्छे से निचोड़ करके पानी से बाहर निकालना है। बस ध्यान दीजिएगा कि जो सोया चंक्स है इसे हमने गर्म पानी में भिगोया था, तो काफ़ी सॉफ्ट है ये, तो ये टूटने नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से बिल्कुल सभी सोया चंक्स को हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो इधर सोया चंक्स तैयार है, अब हम इसके मैरिनेशन के लिए मसाले तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बोल में ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के, साथ में मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ 2 चम्मच, इसी के साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर रोस्ट किया हुआ बेसन लिया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर सत्तू का आटा भी ले सकते हैं। गरम मसाला मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, अगर आप तीखा पसंद ज़्यादा है तो 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। नमक लिया है मैंने नॉर्मल, काला नमक 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि प्याज का पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है, और साथ ही में ना 1 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। नींबू का रस मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर दिया था, और साथ ही में आप देख रहे हैं ना कि 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है दही। तो बिल्कुल घर की ताज़ी फ्रेश दही मैंने यहाँ पर ली है, आप मार्केट की भी दही ऐड कर सकते हैं या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसी के साथ ना खाने वाला मैंने यहाँ पर कलर ऐड कर दिया है, तो 2 से 3 ड्रॉप रेड ये फूड कलर था, आप चाहें तो पाउडर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरुआत में आपने इसे ड्राई ही मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मैरिनेशन है वो पतला ना हो, यानी कि जो घोल हम बना रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसे कोट करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने ना 1/4 कप पानी लिया था, यानी कि 4 बड़े चम्मच था ये, और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। तो बस अब हम इसमें ना सोक किए हुए जो सोया चंक्स थे इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसे ना हल्के हाथों से कोट कर लेना है अच्छे से। तो बस अच्छे से हमने इन्हें कोट कर लिया है, और अब मैं इसे ना ढक करके साइड में रखूँगी लगभग 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से इसे सोक कर लें। और तब तक ना हम चलते हैं अपने सैलड तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारीक कटा हुआ गाजर, साथ में मैं यहाँ पर प्याज लिया है, मैंने देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से ना बारीक लंबा कट किया है मैंने, और इसी के साथ कैप्सिकम है तो ये स्मॉल साइज़ का मैंने लिया है, और 1/2 कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ पत्ता गोभी, 1 चम्मच नींबू का रस हमने ऐड कर दिया है, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर चाट मसाला ले रही हूँ, काला नमक 1/4 चम्मच लिया है मैंने, और यहाँ पर नॉर्मल नमक मैंने ऐड कर दिया है, साथ में काश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने इन्हें मिक्स करना है। तो बस हमारे सैलड भी इधर बनकर तैयार हो गया है, और अब हम इसे ना ढक करके साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ ना अब हम चलते हैं फटाफट से अपने सोया चंक्स को तैयार कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। और इसे भी आप देख रहे हैं कि लगभग ना ढके हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से इसे मसाले सोख कर लिया है। तो अब हम इसे तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक वुडन स्टिक ली है, तो ये काफ़ी आसानी से आना आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो स्मॉल साइज़ के मैंने ली है। और इसमें क्या करना है ना कि एक एक सोया चंक्स को हम इंसर्ट करते जाएंगे स्टिक में, सेंटर में बिल्कुल करना है, और केयरफुली करिएगा ताकि हाथ में नहीं लगे ये, और जल्दी से बहुत टॉप तक आपने इसे नहीं करना है फिल। तो बस इस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि स्टिक हमारी तैयार हो गई है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी सोया चंक्स स्टिक को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारी प्लेट तैयार हो गई है फ्राई करने के लिए, जिसके लिए दूसरी तरफ ना हमारी कढ़ाई भी गर्म है बिल्कुल, तो पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम पर, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे ना बैचेस में करके फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बारी में 4 से 5 स्टिक इसमें फ्राई कर रही हूँ, और फ्लेम को रखा है मीडियम पर, फ्लिप करते रहेंगे बीच बीच में इसे, ताकि चारों तरफ से बराबर तरीके से फ्राई हो सके, और इसे ना गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बस हमारे यहाँ पर लगभग 1 बैच बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम इसे ना
कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमने एक टिश्यू पेपर ले लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे सोक कर सके। तो बस इसी के साथ ही अब मैं ना सेम प्रोसेस से सेकेंड बैच में हमने फ्राई कर लेना है। सो देखा दोस्तों कितना आसान था इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो गए हैं ये और काफ़ी टेस्टी लगता है, ये हेल्दी भी है। तो इसे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देख रहे हैं काफ़ी गर्मा गर्म और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हुए हैं इस तरीके से देखिए। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं सैलड के साथ और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। जो हमने सैलड यहाँ पर बनाया है उस ड्रेसिंग के साथ इसे आप ज़रूर सर्व करिएगा, यकीनन आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में हमने सैलड रख लेना है और टॉप पे मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। इसी के साथ ही चाट मसाला हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। चाहे तो आप इस पे ना नींबू का रस भी डाल सकते हैं खाते वक्त, बहुत टेस्टी लगता है ये। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।